फॉर मी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला थ्योरी का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको यकीनी तौर पे समझ आया होगा, उसको आपने देखा भी होगा और उसको आपने रीड भी किया होगा। तो उस हवाले से आज हमारे पास जो इस ड्राइंग का कोड है MT232 इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड, इसका प्रैक्टिकल वीडियो क्लास के अंदर हम इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो आज का प्रैक्टिकल है वो है ड्राइंग सिंबल्स। ड्राइंग शीट के ऊपर हम कैसे इसको ड्रा करेंगे ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें कि आपने उसके ऊपर जब ड्राइंग ड्रा करनी है तो उसके ऊपर सिंबल किस तरीके से जो है वो उस ड्राइंग के ऊपर ड्रा करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ड्राइंग को ड्रा करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं वो है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, HB पेंसिल्स, शार्पनर, रेजर, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से जब आप शीट के ऊपर इसको प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे, शीट आप ड्रा करेंगे, वेल्डिंग सिंबल उसके ऊपर आप ड्रा करेंगे, तो उसके लिए आपने ड्राइंग शीट के ऊपर जैसे कि हम उसमें टाइटल ब्लॉक और उसकी बॉर्डर लाइंस ड्रा करते हैं, तो सेम एज इट इज आपने वही वर्क करना है कि आपने उसकी उसका बॉर्डर लाइंस और उसका टाइटल ब्लॉक ड्रा करना है। तो टाइटल ब्लॉक ड्रा करने के बाद जो हमारा वर्किंग एरिया है उसके अंदर आपने एक जो है वो ब्लॉक डायग्राम इस तरह ड्रा करनी है जिसके अंदर जो जिसमें हम वेल्डिंग सिंबल्स को उस हवाले से इसके अंदर ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमने मैंने इस पॉइंट पे इसके ऊपर जो है वो उसकी डायमेंशंस भी शो कर दी हैं ताकि आप शीट वर्किंग एरिया के अंदर इन ब्लॉक को आसानी से ड्रा कर सकें और इनके अंदर इसके जो सिंबल्स हैं और उसके जो व्यूज हैं उन आसानी से इसके अंदर हम उसको ड्रा कर सकें। और इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, व्यूज के ऊपर जो है सिंबल्स को कैसे ड्रा करेंगे वो इसके ऊपर मैं क्लियर करता हूँ। तो पहले जो आपके पास है जो आपके बॉर्डर लाइन है उससे जो आपकी शीट लेंथ है उसके अंदर पहला जो ब्लॉक बनेगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा, उसके बाद अगला जो है आपके पास वो 5 सेंटीमीटर का होगा, उसके बाद अगेन 15 सेंटीमीटर और फिर 15 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जब आपके पास दूसरी इसमें आप वर्टिकल लाइन जो है उनको आप नीचे शीट तक ड्रा करेंगे, उसके बाद आपके पास जो आपके हाइट जो है या वेट शीट वेट है उसको जब उसके अंदर डिवाइड करने के लिए जो पहला है आपके पास उस वो आपके पास होगा 1 सेंटीमीटर और उसके बाद जितने भी आपके पास उसमें ब्लास हैं उसमें रोज हैं वो 3 सेंटीमीटर्स की आएंगी। 3 सेंटीमीटर के ऊपर आपने जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस वो ड्रा कर लेनी है। तो आपके पास एक कंप्लीट जो है वो चार्ट बन जाएगा, उसके अंदर फिर चलते हैं कि इनके अंदर जो सिंबल्स हैं उनको कैसे ड्रा करना है, उसकी डिस्क्रिप्शंस है, सिंबल है, उसका पिक्टोरियल व्यू है और मल्टी व्यू है कि उसके ऊपर आपने कैसे ड्रा करना है। जैसे थ्योरी के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू रेफरेंस लाइन उसको भी हम देखेंगे कि अबव द रेफरेंस लाइन है या बिलो द रेफरेंस लाइन है, उस हवाले से कहां पे आपने बेल्ट को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला हमारे पास है स्क्वायर बट बेल्ट, स्क्वायर बट बेल्ट उसके अंदर दो जो प्लेटें हैं यानी बट बेल्ट के ऊपर हम आ रहे हैं तो दो प्लेट्स को आमने सामने रखना है। इसके अंदर जैसी वो उसमें ग्रूव्स बनेगी उस ग्रूव के लिहाज से या उन प्लेट्स को आमने सामने रख के हम उस लिहाज से ही जो है इसके ऊपर जो है वो सिंबल्स हम ड्रा करेंगे या सिंबल्स इसमें होते हैं। तो पहला है स्क्वायर बट बेल्ट, इसके लिए सिंबल जो है वो दो लाइंस का पैरेलल दो लाइंस हैं, यहाँ जो ये सिंबल है ये है आपके पास स्क्वायर बट बेल्ट का। आप पिक्टोरियल ड्राइंग के अंदर इसका जो व्यू है सेक्शनल व्यू है उसको आप कैसे ड्रा करेंगे, इसके अंदर आपने जो ड्रा करना है उसको कंप्लीट आपने इस पॉइंट पे शो करना है कि इसके अंदर जो आपकी प्लेट्स हैं वो आमने सामने हैं और किस तरीके से उस पॉइंट पे आपने उसको वेल्डिंग के अंदर शो करना है, कैसे उसको आप ड्रा कर सकते हैं या उसको आप दिखा सकते हैं कि ये आपके पास जो साइन है। तो इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे यहाँ पे है यहाँ पे आपने वेल्डिंग को परफॉर्म करके दिखा देना है और एक पॉइंट्स के ऊपर इसके सामने आपने सेक्शन लाइंस को ड्रा कर देना है। तो यहाँ पर सेक्शन लाइन ड्रा कर दे तो आपके सामने जब दो प्लेट्स आमने सामने रखेंगे इसके लिहाज से इसको कहते हैं स्क्वायर बट बेल्ट और इसके लिहाज से जब मल्टी व्यू ऊपर आते हैं अकॉर्डिंग टू रेफरेंस लाइन तो रेफरेंस लाइन के हिसाब से इसके ऊपर आपने जो हमारे पास बेल्ट है उसको अकॉर्डिंग टू एरोहेड और रेफरेंस लाइन के साथ ये नीचे बिलो द रेफरेंस लाइन है और यहाँ पे ये सिंबल जो है वो सिंबल को स्क्वायर बेल्ट का सिंबल जो है वो यहाँ पे शो करेंगे
इसका मतलब ये है कि आपने वेल्डिंग जो है वो जिस साइड पे ऊपर करनी है वो आपके पास आएगी। तो अगला हमारे पास है सिंगल वी बट वेल्ड। सिंगल वी बट वेल्ड मींस कि आपके पास जब प्लेट्स हैं तो उनको जब आप एज रिप्लेस करते हैं तो उनको आपस में आमने सामने प्लेट्स को रखते हैं तो उनके दरमियान बनने वाली ग्रूव जो है उसकी नॉमेनक्लेचर के लिहाज से स्क्वायर वी सिंगल वी बट वेल्ड, यानी आपके पास बेसिकली वी का साइन आ रहा है, वी का सिंबल होगा और इसके अंदर यहाँ पे आपने उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी ड्रा करना है और इसको ड्रा करके उसके अंदर यहाँ पे आपने प्लेट्स के दरमियान जो ग्रूव है उसको शो करना है, यानी आपने इस पॉइंट पे व्यूज को ड्रा करके पिक्टोरियल व्यू के अंदर इस पॉइंट पे ये शो होगा तो आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर जो व्यू है या सिंबल है वो किस किस्म का है, यानी यहाँ पे जो ग्रूव बन रही है ये वी शेप की होगी, ये किसी की ये वी शेप की है और इसी के साथ यहाँ पे जो साइन आएगा इसके मुताबिक से उसके अंदर हमारे पास जो रिगार्डिंग टू रेफरेंस लाइन तो यहाँ से नीचे जो है वो इस पॉइंट पे बी का साइन यानी बी सिंबल इस पॉइंट पे शो होगा। तो ये बिलो द रेफरेंस लाइन है तो उसके जिस साइड एरो टच कर रहा है उसी साइड इसका सिंबल आपने शो करना है। दूसरा है डबल वी बट जॉइंट। अब डबल वी बट जॉइंट इट मींस कि आपके पास दोनों साइड पे आपने उसकी एज को प्रिपेयर किया है और उस पॉइंट पे आपने जो हमारे पास पिक्टोरियल व्यू है उसके अंदर भी व्यूज को सेम स्टाइल के अंदर आपने दोनों साइड के ऊपर उसकी वी ग्रूव्स को शो करना है। जब इस पॉइंट पे आप वी ग्रूव्स को शो करेंगे और पिक्टोरियल व्यू ड्रा करेंगे तो इसके मुताबिक ये आपके पास दोनों साइड पे ग्रूव्स शो हो जाएगी और यहाँ पे आपने सेक्शन लाइंस ड्रा करके इसको शो कर देना। अब आप इस पॉइंट पे डाउन साइड पे भी और अबव साइड पे बिलो और अबव साइड दोनों साइड पे और इसके साथ आपने वैसे ही इसी तरीके से क्योंकि दोनों साइड पे वेल्ड हो रहा है बोथ साइड है तो आपने इसका साइन है वो दोनों साइड पे आपने ड्रा करना है, यानी दोनों साइड पे वी का साइन इस पॉइंट पे देना होगा। उसके बाद है सिंगल यू बट जॉइंट। आप इसके अंदर जो ग्रूव्स है वो आप यू शेप के अंदर लेके आ रहे हैं तो यू शेप के अंदर आने के लिए क्योंकि सिंगल यू है तो यहाँ पे आपने यू का साइन देना है, सिंबल होगा और उसके बाद इसके जो हमारे पास पिक्टोरियल व्यू है उसके अंदर आपने उसी तरीके से व्यू को यू शेप यानी यू व्यू जो ग्रूव्स है उसके अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ड्रा करेंगे और इसके अंदर भी आपने वैसे ही सेक्शन लाइंस जो है उनको ड्रा कर देना है और इसके अंदर वेल्डिंग को परफॉर्म करके दिखा देना है। तो इसके अंदर सेक्शन लाइंस ड्रा करेंगे और इसके साथ जब अगले व्यू में आएंगे तो यहाँ पे इसका व्यूज देने के लिए रिगार्डिंग टू रेफरेंस लाइन यहाँ पे रेफरेंस लाइन होगी और इसके साथ नीचे जो है वो यू का साइन सिंबल दे देंगे। तो यहाँ तक आपके पास ऐसे। अब इसके बाद अगले व्यूज पे जाते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास है सिंबल के लिहाज से डबल यू बट वेल्ड। डबल यू बट वेल्ड इसका मतलब ये है कि आप जो है वो दोनों साइड के ऊपर आप वेल्ड करना चाह रहे हैं, साइन इसमें डबल यू का होगा, इसमें सिंबल यूज करेंगे और पिक्टोरियल व्यू के अंदर भी उसके दोनों साइड्स पे जो है आपने इसकी ग्रूव्स को पिक्टोरियल व्यू के अंदर शो करना होगा। तो इस तरीके से जब आप उसको शो करेंगे और यहाँ पर इसी तरीके से इसके अंदर वेल्ड को भी आपने शो कर देना है और यहाँ पर साथ साथ इसके अंदर जो सेक्शन लाइंस हैं उनको इसके सामने यहाँ पे ड्रा कर देंगे और इसके अंदर आपने वेल्डिंग को परफॉर्म करके दिखा देना है। और इसी के साथ जब उसके आगे मल्टी व्यू यानी उसके रिगार्डिंग टू रेफरेंस लाइन आएंगे तो यहाँ पर उसके ऊपर रेफरेंस लाइन के लिहाज से इस पॉइंट पे दोनों तरफ बोथ साइड है यानी दोनों तरफ डबल यू है, इट मींस कि आप उसको दोनों साइड्स पे आप वेल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे साइन जो है वो आपका दोनों साइड पे आ जाएगा। अब उसके बाद आता है सिंगल जे बट वेल्ड। सिंगल जे बट वेल्ड जैसा कि इसका नॉमेनक्लेचर है जे, तो सेम स्टाइल में जो हमारे पास जो ग्रूव होगी उसके लिए सिंबल्स है जे का और उसके अंदर जो हमारे पास है जो प्लेट्स हैं उसके अंदर भी आपने जो इस पॉइंट पे जो ड्रा करना है पिक्टोरियल व्यू के लिहाज से
उसके अंदर जो ग्रूव है उसको आपने जे के हिसाब से यानी जे के साइन के साथ उसको आपने शो करना है और पिक्टोरियल व्यू के लिहाज से उसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे भी आपने वेल इस पॉइंट पे परफॉर्म करके दिखाना है और इसके साथ यहाँ पे भी सेक्शन लाइंस को ड्रा कर देना है। तो इसी तरीके से मल्टी व्यू में आएंगे तो यहाँ पर उसी साइन के साथ रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पर इसके बिलो जो है वो हमने जे का साइन दे देना है। बेसिकली जो हमारे पास सिंपल सर है उसके मुताबिक उसके प्रैक्टिकल पिक्टोरियल व्यूज और उसके मल्टी व्यूज में आपके पास आएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास स्पॉट वेल्ड। स्पॉट वेल्ड के लिए साइन है राउंड सर्कल होगा और इसके बाद जो हमारे प्लेट्स हैं उनके ऊपर चूंकि स्पॉट वेल्ड है तो आपने उसके हिसाब से यहाँ पर उसको ड्रा करना है दो प्लेट्स को और उनके ऊपर जो है वो दोनों के ऊपर सेक्शन लाइंस को शो कर देना है। और इस पॉइंट के ऊपर चूंकि स्पॉट वेल्ड है ये राउंड शेप में उसके ऊपर आएगा स्पॉट की तरह आएगा और यहाँ पर रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका राउंड जो सिंबल है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर यहाँ पे शो होगा। अब आखिर में है हमारे पास फिलेट बेल्ट। फिलेट बेल्ट का साइन उस लिहाज से इसका साइन जो होगा वो इस तरीके से इसका ये फिलेट का साइन है और इसी तरीके से इसके अंदर जब हमारे पास जो प्लेट्स हैं उनको जब हम इस पॉइंट पे जो पिक्टोरियल व्यू है उसके अंदर हम उसको लेके आते हैं तो उसके अंदर उसके लिए हम यहाँ पे ये इस तरीके से हम उसको ड्रा कर देंगे। अगर इसको इस पॉइंट पे ड्रा करेंगे तो ये इसका साइन और इसको आप सेक्शनल लाइन से सेक्शन लाइन से इसको दिखा देंगे और इसी तरीके से मल्टी व्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन के मुताबिक इसके ऊपर एरो हेड और रेफरेंस लाइन के नीचे इस पॉइंट पे इसका फिलेट का साइन होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ड्राइंग शीट के ऊपर जो है वो उसको कंप्लीट आपने वेल्डिंग सिंबल चार्ट ड्रा करना है जिसमें उसका सिंबल होगा पिक्टोरियल व्यू होगा और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू उसके मल्टी व्यू के हिसाब से कि बिलो द रेफरेंस लाइन है या अबव द रेफरेंस लाइन है या बोथ साइड्स है। तो आई होप कि आपको इस तरीके से वेल्डिंग सिंबल्स ड्रा करने में आसानी होगी और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको बड़े आसानी से ड्रा कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिकल क्लास के अंदर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।